बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। लिहाजा इस वजह से बिहार की जनता उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बिहार के सीएम का परिवार लाइमलाइट से इतना दूर रहता है? इसके अलावा नीतीश के परिवार में कौन कौन है, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। राजनीति के खेल में माहिर नीतीश कुमार के पास वैसे तो कई उपलब्धियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा होती है वो है उनके बार बार सीएम पद की शपथ लेने पर। नीतीश अब तक बिहार के सीएम के तौर पर 8 बार शपथ ले चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 1990 से राजनीति में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार के फैसले भी अक्सर लोगों को चौंका देते हैं। उनके फैसलों की वजह से ही बिहार में ना तो चुनाव होता है ना ही दल बदल, लेकिन सरकार बदल जाती है। विपक्ष तो अब उन्हें पीएम फेस के तौर पर भी देख रहा है। नीतीश के राजनीतिक सफर पर कई बार बात होती, विचार भी होता, लेकिन आज हम बात उनके परिवार की करेंगे। 1 मार्च 1951 को नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनके घर पर उन्हें मुन्ना के नाम से बुलाया जाता था। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नीतीश कुमार की 3 बहनें और एक बड़े भाई हैं। राजनीति में आने से पहले नीतीश कुमार इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है, जो कि अब NIT पटना है। पढ़ाई के दौरान ही नीतीश छात्र राजनीति में सक्रिय हुए, जिसके बाद वो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए और राजनीति में शामिल हो गए। लेकिन उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई 1970 में। इसी दशक वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात लालू यादव और सुशील मोदी से हुई। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार ने पेशे से इंजीनियर मंजू कुमारी सिन्हा से शादी कर ली। ये इंटरकास्ट मैरिज थी। नीतीश कुमार का एक बेटा भी है, जिसका नाम निशांत कुमार है और वो BIT से ग्रेजुएट है। जहां नीतीश की गिनती बिहार के अलावा देश में भी बड़े नेताओं के तौर पर होती है, तो वहीं उनके बेटे लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वही बिहार के सीएम बनने से पहले नीतीश कुमार रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि 2 अगस्त 1999 के गैसल ट्रेन एक्सीडेंट के बाद नीतीश ने अपने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा और टिकटों की तत्काल बुकिंग में काफी सुधार किए। वही बात अगर नीतीश कुमार की पत्नी की करें तो नीतीश कुमार की पत्नी पेशे से शिक्षिका थी। खास बात यह है कि पति के नेता होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था का लाभ नहीं उठाया। 14 मई 2007 को उनका देहांत हो गया। नीतीश के राजनीतिक सफर में कई बार उनके बेटे का जिक्र होता है। निशांत कुमार नीतीश के इकलौते बेटे हैं। मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद निशांत को कम ही लोग जानते हैं। पिता की तरह निशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत का दिल राजनीति में कभी नहीं लगा। यही वजह है कि वो राजनीतिक सभाओं या राजनीतिक कार्यक्रमों में कभी भी पिता नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आए। निशांत खुद भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ है और वो उसी राह पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वो कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति में नहीं आएंगे। भले ही निशांत राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन वो अपने पिता की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने के दौरान निशांत ने अपने पिता की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि जनता उन्हें उनके काम की वजह से जानती है। वहीं नीतीश के न सिर्फ बेटे बल्कि भाई बहन और रिश्तेदार भी राजनीति से कोसों दूर हैं। नीतीश के बड़े भाई सतीश कुमार पेशे से किसान हैं। उनके अलावा 3 बहनें भी हैं, उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी। नीतीश ने राजनीतिक संसाधनों से परिवार को हमेशा दूर ही रखा है। ऐसे में उनके परिवार के बारे में बहुत कम ही जानकारी मीडिया के सामने है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.